हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका सुहाना की रसोई में। आज हम बनाएंगे वीकफील्ड कंपनी का कस्टर्ड पाउडर वनीला फ्लेवर में। आप इसे कभी भी बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत ही कम टाइम पर और बहुत ही ज्यादा डिलीशियस और एकदम क्रीमी कस्टर्ड बनकर तैयार होता है। आप देख सकते हैं कितना ज्यादा डिलीशियस बनकर तैयार हुआ है। ये बहुत ही आसान रेसिपी है, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले लेंगे वीकफील्ड कंपनी का कस्टर्ड पाउडर, वो भी वनीला फ्लेवर में। इसका जो वजन है वो 100 ग्राम है और इसका प्राइस 40 रुपए है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके पैकेट को इस तरह कट करेंगे। इससे 2 चम्मच वनीला पाउडर निकालेंगे और यहाँ पर 1/2 कप दूध लेना है। दूध में 2 चम्मच वनीला पाउडर को ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिलाएंगे। इसे दूध में तब तक अच्छे से मिलाते रहें जब तक इसका घोल इस तरह से बनकर ना तैयार हो जाए। ये 500 ml दूध है, फुल फैट वाला। इसमें 4 चम्मच शक्कर ऐड करके इसे अच्छे से बॉयल होने के लिए रख दिया है। मीडियम फ्लेम पर इसे बॉयल होने देंगे। ये देखिए, दूध में काफ़ी अच्छा सा बॉयल आ चुका है। इसे इस तरह से चलाएंगे और धीरे धीरे कस्टर्ड पाउडर इसमें डालेंगे जो हमने बनाकर रख लिया था दूध में। इस तरह से थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे और इसे अच्छे से मिलाते जाएं। एक साथ आपको ये घोल नहीं डालना है। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आएँ और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। कस्टर्ड पाउडर ऐड करने के बाद इसे अच्छे से इस तरह से मिक्स करना है। गैस के फ्लेम को यहाँ एकदम मीडियम रखना है। दूध में कस्टर्ड पाउडर अच्छे से मिक्स हो चुका है। ये देखिए, मिक्स होने के बाद ये कितना क्रीमी और डिलीशियस बनकर तैयार है। इसे मीडियम फ्लेम पर बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 मिनट पकाएंगे। इसी तरह इसे लगातार चलाते रहें, नहीं तो ये नीचे लगने लगेगा। ये देखिए, यहाँ पर ये 3 मिनट हो चुके हैं। ये कितना गाढ़ा और क्रीमी हो चुका है। अब इससे ज़्यादा हम इसे यहाँ नहीं पकाएंगे। गैस के फ्लेम को यहाँ बंद करेंगे और इसे एक तरफ रख देते हैं ठंडा होने के लिए। रूम टेम्परेचर पर इसे हम अच्छे से यहाँ ठंडा करेंगे और ठंडा होने के बाद इसे फ्रीज में 5 घंटे के लिए रख देते हैं। 5 घंटे हो चुके, ये देखिए, इसे फ्रीज से निकाल लिया। इसे अच्छे से चलाएंगे। इसकी जो मलाई है इस कस्टर्ड में अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। ये देखिए, काफ़ी अच्छे से ये मिक्स हो चुका। इसे हम एक बोल में सर्व कर लेंगे। ये देखिए, कस्टर्ड कितना ज़्यादा गाढ़ा और एकदम क्रीमी बनकर तैयार हुआ। अगर आप भी हमारे इस बताए हुए तरीके से स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे तो आपका भी कस्टर्ड इतना ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। अब यहाँ पर डालेंगे कटे हुए कुछ रेड एप्पल के पीसेज हैं, कटे हुए ये ग्रीन ग्रेप्स के पीसेज हैं, साथ ही इसमें डालेंगे ब्लैक ग्रेप्स कटे हुए। आप अपनी पसंद के कोई भी फ्रूट ले सकते हैं। अब यहाँ पर डालेंगे कटी हुई ये कीवी है छोटे टुकड़ों में। सारे फ्रूट ऐड करने के बाद कस्टर्ड में अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं ये कस्टर्ड कितना ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस बनकर तैयार है। आप इसे इस गर्मी में बनाएं और बनाकर एंजॉय करें, इस तरह से सजाकर सर्व करें। सभी को ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। आपको हमारी ये कस्टर्ड पाउडर की रेसिपी कैसी लगी मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना आप बिल्कुल भी ना भूलें।